मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के कार्यकाल में कार्यरत पंकज कुमार पांडे जो कि चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के पद पर कार्यरत हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीएमओ दफ्तर से राजकुमार गुप्ता निवासी प्रतापगढ़ के किए सूचना के आधार पर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं बताया जाता है कि उन्होंने राजकुमार गुप्ता से पापामाऊ स्थित पॉली क्लिनिक को पुनः लाइसेंस दिलवाने का वायदा कर 1 लाख रुपए की मांग की, साथ ही 35,000 रुपए नगद की मांग की थी। वहीं राजकुमार गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता एवं विजिलेंस को इसकी सूचना दी और विजिलेंस विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवास के बाहर पांडे को रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर पंकज कुमार पांडे का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशों को निर्देशित करते हुए मैंने और मेरी टीम ने कई नर्सिंग होम एवं पॉली क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई करी थी, जिससे राजकुमार गुप्ता की भी पॉली क्लिनिक थी और राजकुमार गुप्ता ने बदला लेने के लिए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को बदनाम करने के लिए उपरोक्त साजिश रची। पांडे ने खुद को बेकसूर बताया एवं पूरे घटनाक्रम को एक साजिश के जरिए बताया। कोरा प्रयागराज से अनिल सोनी की रिपोर्ट।